बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मुझे तो आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सिकंदर अख्तर है। और लास्ट टाइम हमने एक आपको एक वीडियो नाज़ाबाद के ब्लॉक की दी थी, जिसमें एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो भेजी थी हमें। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमने वो वीडियो रात में जो है अपलोड की थी, और सुबह उसका कोई 2-2.5 बजे जो है उसका वो सोल्ड हो गया, और 55 लैक्स मांगे थे और 49 लैक्स में वो जो है वो सेल हुआ। तो इसी तरह हमारे पास देखिए आती रहेंगी वीडियो ना, जो क्योंकि हमें सिर्फ ख़रीदने वाले लोग नहीं देख रहे हैं, हमें बेचने वाले लोग भी देख रहे हैं। तो लोग कांटेक्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम भी कोई गलत चीज़ आने नहीं देते हैं, पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो अभी आज फिर एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें अपनी दो उन्होंने फ्लैट्स भेजे हैं, अपार्टमेंट भेजे हैं, लेकिन ये गार्डन के एरिया में, गार्डन ईस्ट में। आपको अगर आप लोग की नॉलेज में हो तो एक फेमस एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे पारसा सिटी के नाम से। पारसा सिटी बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिसमें दुनिया मतलब जो पाकिस्तान में जो अम्यूनिटीज़ हैं, जिम है, सिक्योरिटी है, प्ले एरिया है, बच्चों का मस्जिद है, कार पार्किंग बेसमेंट है और एक ग्राउंड पार्किंग है, मतलब बड़ा खूबसूरत, बड़ा लग्जरी है। एक इसका अपार्टमेंट है 3 बेड DD का, और 3 बेड DD का अपार्टमेंट है, और उसके साथ जो है एक 2 बेड DD का अपार्टमेंट भेजा है, जो कि 5-6 फ्लोर का है, और जो 3 बेड है वो 17 फ्लोर का। ये टोटल 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब 20 फ्लोर है, और आप यकीन करें जितनी हाइट पे है वो उतना महंगा है यहाँ पे, जितनी मेरी नॉलेज है। तो एक 17 फ्लोर का 3 बेड DD और वेल डेकोरेट है। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो उन्होंने खुद बना के भेजी है मुझे। और दूसरा जो 2 बेड DD है, जो कि 900 स्क्वायर फीट नेट एरिया है उसका, और जो 3 बेड DD उसका 1650 नेट एरिया है। तो जो लोग भी गार्डन के एरिया में, मतलब देखिए हर बंदे की अपनी सिलेक्शन होती है, कुछ लोग गुलशन में रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो स्कीम 33 में, कुछ लोग डिफेंस में, कुछ इमार में रहना चाहते हैं, मतलब कराची में रहते हैं लेकिन इमार में रहते हैं और बहुत फैंसी लाइफ लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गार्डन के एरिया में रहते हैं, मतलब गार्डन भी एक वेल मतलब भरा हुआ एरिया है। तो ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग 3 बेड DD की देख लें, उसके बाद में फिर मैं 2 बेड DD का जो रेंटल है, रेंट के ऊपर है, जो किराए के ऊपर आया हुआ है, फिर उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो भाइयों, मैं आपको लेके आ गया हूँ 3 बेड DD का ये अपार्टमेंट है, 1650 स्क्वायर फीट पर इसका नेट एरिया है और 17 फ्लोर का है। आप देखें, इन्होंने इस फ्लैट पे 40 लाख रुपए जो है इसकी डेकोरेशन पे खर्च किए हैं, और ये वीडियो इन्होंने मुझे खुद बना के भेजी है। और जैसा आप लोग तो देखते हैं हमारी वीडियो ज़रा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, लेकिन ये वीडियो इन्होंने बना के भेजी है। और ये पारसा सिटी जो है गार्डन में एक फेमस प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जो है वो थोड़े महंगे फ्लैट है, लग्जरी है बहुत ना, ये वेस्ट ओपन भी है और पार्क फेसिंग भी है ये फ्लैट। और अच्छा, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है ये टोटल ना, जिसके अंदर ये मौजूद है। जो लोग भी गार्डन में रह रहे हैं उनको मालूम है इसके बारे में मालूम है। ये आप देखें, ये लॉन्च है, ये बेडरूम है सामने, और मतलब इससे अच्छा वॉल पेपर लगाया हुआ है हर दीवार पे, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये वॉशरूम देखें आप इसका, ये देखें कितने बड़े बड़े वॉशरूम हैं इसके, और बड़ा फ्लैट है, और नेट एरिया इसका 1650 है जो उस पर जो मुझे बताया इन्होंने। और आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे प्ले एरिया भी है, बहुत अच्छा है, बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड पार्किंग है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ये आप ये देख रहे हैं रूम कितने बड़े हैं इसके, ये देखें कितने बड़े रूम हैं, और वार्डरोब भी हैं, और ये देखें एक और बाथरूम देखें आप कितना बड़ा बाथरूम बनाया है ये, बल्कि इन्होंने क्या, ये तो स्ट्रक्चर में ही बना हुआ है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ इसके बारे में, ये 3 बेड DD है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, और अब पहले आप लोग देख लें पूरी वीडियो देख लें। ये देखें आप, ये बहुत अच्छा रूम इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और ये देखें ये देखिए छतों में फोर सीलिंग भी हुई है, वॉल पेपर भी लगा हुआ है, और खूबसूरत। तो आप लोगों ने ये इसकी 3 बेड DD की वीडियो देख ली है, तो अब मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ। ये 3 बेड DD है, वेल डेकोरेट है, और ये जो है इसकी डिमांड ये 3 करोड़ 15 लाख रुपए कर रहे हैं। मैं इनका नंबर इस पे मेंशन करूँगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग जो भी कमी बेच कराना चाहते हो वो डायरेक्ट इनसे कराइएगा, और ये आपको मतलब डिस्काउंट तो यकीनन होता है हर चीज़ के अंदर। तो ये इन्होंने 40 लाख रुपये खर्च करे हैं, ये बकौल इनके कि हमने 40 लाख खर्च करके इतना खूबसूरत बनाया है फ्लैट को। वैसे भी वो प्रोजेक्ट भी महंगा है, पारसा सिटी जो है, और ये मैंने आपको 3 बेड DD का बता दिया, और 3 करोड़ 15 लाख रुपये मांग रहे हैं। बाकी आप लोग खुद बात कर लीजिएगा कि ये इस पर क्या डिस्काउंट हो सकता है। और दूसरा, अब मैं आपको 2 बेड DD का 5वें फ्लोर का अपार्टमेंट है, यहाँ पे भी बड़ा जिम और बड़ी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। और पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर मैं इसकी और डिटेल बताता हूँ।
अच्छा ये देखें, ये 2/DD है, 2/DD का 5th-5th floor का ये अपार्टमेंट है जो कि रेंट के लिए दिया है। ये रेंट के लिए दिया हुआ है, ये भी वेल डेकोरेट है। ये आप देख लें इसकी डेकोरेशन सारी देखें, ये सारा फुल डेकोरेट है। और ये हमारे पास जो है इन्होंने इसका 45,000 जो है इन्होंने रेंट मांगा है। और जो लोग भी गार्डन के एरिया में रहना चाहते हो, ये फवारा चौक की तरफ है, गार्डन ईस्ट का एरिया। और जो लोग भी देख लें, आप पहले आप फ्लैट की खूबसूरती देखें, ये फुल डेकोरेट है। और मतलब जिस जो भी लेगा इसको रेंट पे जो है उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपना सामान लाए और पर्दे लगाए और रहना शुरू करें। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों रेंट पे लेने के लिए अपार्टमेंट ये वाला गार्डन ईस्ट की गार्डन की तरफ, तो प्लीज़ वो मैं इनका नंबर मेंशन करूँगा अरसलान साहब का, जिनका है जिनके हैं ये दोनों, तो वो लोग आप लोग डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो वो आपको इसकी इसकी रेंटल में भी और जो हमने पहले दिखाया है 3/DD उसकी बाइंग में भी आपको हेल्प करेंगे। तो भाइयों हम लोगों ने आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहते हैं और ये वीडियो आप लोग देखें। और तो भाइयों आपने ये 2/DD की भी वीडियो देख ली है। अच्छा मैं इसका बता दूँ, ये इसका 45,000 जो है ना इसका रेंट मांग रहे हैं, 5th floor का है ये, सना डायनेस्टी के अंदर है, फवारा चौक गार्डन ईस्ट में मौजूद है। जो लोग देखिए ये स्पेशली वीडियो गार्डन वालों के लिए है, और जो लोग गार्डन के एरिया में रहना चाहते हैं उनके लिए, तो आप लोग डायरेक्टली इनका नंबर थ्रू आउट मेंशन होगा, इनका नाम अरसलान है और ये आपको जो है मैं इनका नंबर मेंशन करूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको 3/DD वाले के बारे में बता दिया, वो बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है, बहुत ही लग्जरी है, पारसा सिटी के नाम से, बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लोकेशन है और मेन गार्डन पे है ये। और ये मतलब बड़ा फ्लैट है, नेट एरिया इसका 1650 है, जो 2/DD रेंटल वाला है उसका नेट एरिया 900 है। तो आप लोग भाइयों जिस तरह हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, देखिए मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद ना आए, लेकिन इस पर आप लाइक ना करें, इसको खैर है, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसको लाइक करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, अगली वीडियो आपके काम की हो सकती है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी ना हो, किसी और के लिए ज़रूरी हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।